और आइए इस वक्त मोहन भागवत का विजयदशमी का संबोधन आपको सुनाते हैं हमारे विविधता सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया केवल भूतकाल की बात नहीं हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा दुनिया भर के देशों के लोगों ने और हमारे मन की जो सद्भावना है प्रामाणिक सद्भावना है अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एक मत से कराने में और हमारी राजनयिक कुशलता भी उन्होंने देखी हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई महिलाओं के उन्नति की महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई और वो मानव केंद्रित बात हो गई उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहां जो सी ट्वेंटी सी ट्वेंटी हुआ था वहां रखी गई थी ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया इसको हमने अनुभव किया ऐसा अभिनंदनिय कार्य हमारे सामने हुआ है और केवल उसी इसमें नहीं हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए सौ से अधिक इस भाषण को लिखते तक 107 पदक अट्ठावी सुवर्ण रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है ये हम देख रहे हैं आर्थिक स्थिति भी हमारी हम पांचवें नंबर पर दसवें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची उसके लाभ यह सारी बातें हमने की स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में केवल टेक्नोलॉजी में नहीं कृषि हो स्पेस हो डिफेंस हो सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ आगे बढ़ रहे और केवल भौतिक बातों में नहीं राष्ट्र का पुरुषार्थ उस, उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है उनको हम देखते उनका अनुकरण करते तब आगे बढ़ते हैं हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम उनके बाला स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को यह प्रसंग हम देखने वाले हैं उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे सुरक्षा की बात रहेगी वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रति प्रतीक है समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे भगवान राम करुणा के प्रतीक है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का सर्वसमावेशकता का समरसता का प्रेम का स्नेह का वातावरण धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते परंतु ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा ध्यान में आता है हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का दो हजार पांच सौ पचासवा वर्ष हम संपन्न कर रहे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इनका 350वां वर्ष हम सम्पन्न कर रहे महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी रूढ़ी कृतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया उनका दो सौवा वर्ष हम संपन्न कर रहे ऐसे ही रानी दुर्गावती भारतीय महिलाओं की शक्ति उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम प्रशासकीय कुशलता प्रजाही दक्षता इसका परिचय देने वाली उनका पांच सौवा वर्ष और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई इनका पांच सौ पचासवा वर्ष ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं आगे उनका वर्ष है ऐसे ही अपने राजनीतिक प्रशासन की कुशलता के साथ साथ प्रजा हित दक्षता के साथ साथ जो अपने जीवन को सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए लगा चुके ऐसे कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का उनका भी डेढ़ सौवा जयंती वर्ष हम मना रहे